सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। शो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल सॉल्यूशन। सीबीएसई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है और सिंपल सरल आसान क्वेश्चन है, पता ही लग रहा होगा, एक लाइन का क्वेश्चन ही है सर, तो आसान तो होगा ही ना। आपको शो करना है बस कि ये जो आपका गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसका जो रियल, इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा ही नहीं, मतलब इमेजिनरी सॉल्यूशंस आएंगे, हमारे रियल सॉल्यूशंस नहीं आएंगे। और रियल सॉल्यूशंस कब नहीं आते थे या फिर इमेजिनरी सॉल्यूशंस कब आते थे, जब हमारे इमेजिनरी रूट्स आ जाते थे, है ना, यानी कि जब हमारा डी इज लेस देन जीरो होता था, डी जब नेगेटिव आता था। डी का वैल्यू हम कहाँ रखते थे, रूट अंडर में रखते थे, रूट अंडर में जब भी स्मॉलर देन जीरो आएगा यानी कि नेगेटिव वैल्यू आएंगी तो हमारा जो इसका जो निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा सर, इमेजिनरी नंबर्स आ जाएंगे, पता ही आप लोगों को, पता ही है, फिर भी बता रहा हूं। तो हम लोग को सिंपली प्रूफ क्या करना है ना, हमको यही शो करना है यही कि डी जो है आपका, डी का जो वैल्यू है वो लेस देन जीरो है, ठीक है। तो पहले आपको गिवन डाल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देना है, उसके बाद एबीसी का वैल्यू यानी कि इसका कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट लिख देना, एबीसी का वैल्यू, ठीक है। उसके बाद डी का फॉर्मूला, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बहुत ज्यादा आसान है। b, b आपका क्या है, b जो x का कोएफिशिएंट होता है यानी कि जो मिडिल टर्म होता है जो हमारा क्या है 8 है उसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 4 इंटू ए आपका क्या है, a है आपका सर 1 इंटू आपका 18 है यहां पे तो हो जाएगा 18, ठीक है, माइनस तो कहीं है ही नहीं। चलिए अब देखिए, ये माइनस इंटू माइनस प्लस यानी कि माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64 माइनस 18 फोर 72 हो जाएगा यहां पे, और आपका ये दोनों माइनस कर दीजिए यानी कि आपके पास क्या आएगा माइनस 8। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि जो 8 है वो आपका माइनस 8 आ गया है ना। तो लिखिए सिंस डी इज स्मॉलर देन जीरो देयरफोर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट। सर बस यही तो आपको दिखाना था, ठीक है। हाँ, और गिवन वगैरह थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए, मार्क्स भी कटते हैं ना उस पर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। चलिए बढ़ते हैं आगे।